आज विधानसभा का चुनाव पूरे राज्य में हो रहा है और ऐसे में चंद्रपुर जिले की विधानसभा चुनाव के तहत चुनाव की खबर आप तक पहुंचाने के लिए सिटी न्यूज हर कदम खबर की ओर पूरी टीम सुबह से इसमें जुटी हुई थी। इसी के तहत सिटी न्यूज हर कदम खबर की टीम ने जिला प्रशासन या जिला पुलिस प्रशासन द्वारा पूरी तैयारियों के संबंध में बातचीत की। इस दौरान हमारे प्रतिनिधि ने जिलाधिकारी डॉक्टर कुणाल खेमनार, पुलिस अधीक्षक डॉक्टर महेश्वर रेड्डी तथा जिला परिषद के मुख्य कार्यपालन अधिकारी राहुल कर्डिले से भी बातचीत की। तत्पश्चात सीटीवी की टीम शहर के अनेक स्थानों पर जाकर चुनाव संबंधी जानकारी हासिल की तथा मतदाताओं से बातचीत की तथा इस मौके पर सीटीवी की टीम ने भी स्वयं मतदान करने के बाद लोगों से आग्रह किया कि वे भी मतदान करें। और इस दौरान हमारे सीटीवी टीम के टेक्निकल डायरेक्टर शैलेश गणवीर भी अपने परिवार के साथ मौजूद थे। जैसा कि जो जानकारी हमारे पास में आई है कि चंद्रपुर जिले के 6 विधानसभा में सुबह 7 से 11 बजे तक जो प्रतिशत जो मतदान हुआ है वो इस प्रकार है। राजूरा में हम आपको बताते चले कि 17.53%, चंद्रपुर विधानसभा में 11.31%, बल्लारपुर में 18.16%, ब्रह्मपुरी में 19.18%, चिमूर में 18.66%, बोर्रा में 17.90% और कुल अगर मिलाए तो हम बात करें अभी तक सुबह 7 से लेकर 11 बजे तक ओवरऑल अभी 16.79% सभी विधानसभा का मतदान अभी तक हुआ है। और हम आपको ये भी बताना चाहते हैं कि आप मतदान करें और सेल्फी निकालें तथा व्हाट्सएप नंबर पर आप सेंड करें। हमारा जो व्हाट्सएप नंबर है मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमारे तंत्र निदेशक शैलेश गणवीर का जो व्हाट्सएप नंबर है 9225210729, एक बार फिर 9225210729 पर आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। साथ ही हमारे प्रधान संपादक का जो व्हाट्सएप नंबर है 9225210726, बल्लू चौहान जी का जो व्हाट्सएप नंबर है 9225210726, सेल्फी निकालकर आप व्हाट्सएप कर सकते हैं और आपकी फोटो हम सिटी न्यूज हर कदम पर फ्लैश करेंगे। प्रस्तुत है सुबह के सत्र के मतदान की ताजा तरीन जानकारी सिटी न्यूज हर कदम खबर की ओर से हमारे तंत्र निदेशक शैलेश गणवीर की नजर से। नमस्कार, सीटीवी न्यूज हर कदम खबर की ओर में आपका स्वागत है। और आज 21 अक्टूबर यानी कि आज विधानसभा के मतदान का दिन है और आज हमारे साथ जुड़ चुके जिलाधिकारी डॉक्टर कुणाल खेमना सर और जिला प्रशासन ने पूरी तैयारी की हुई मतदान दिन की, तो चलिए उनसे कुछ बातें जानते हैं। आज के मतदाताओं को आप क्या आह्वान करना चाहते हैं ताकि लोग ज्यादा से ज्यादा मतदान करें? आज चंद्रपुर जिले में अपने 6 विधानसभा मतदार संघ में 2098 पुलिंग स्टेशन पे सुबह 7 बजे से मतदान चालू हो चुका है। मतदान बहुत ही शांति से और स्मूथली चल रहा है। आज जिले में बारिश का मौसम है लेकिन मतदान में कहीं भी उत्साह की कमी नहीं नज़र आ रही है। इस बार हमने मतदान परसेंटेज बढ़ाने के लिए भरसक प्रयत्न किए हैं और स्वीप एक्टिविटी से यूथ वोटर को भी हमने अट्रैक्ट करने के लिए सेल्फी पॉइंट पोलिंग स्टेशन पे लगाए हैं। हर पोलिंग स्टेशन पे जो दिव्यांग वोटर्स हैं, गरोदर महिलाएं हैं, माताएं हैं और सीनियर सिटीजन्स हैं, उनके लिए मुफ्त सुविधाएं दी हैं। 1950 पे कॉल करके या अपने नज़दीकी ग्राम पंचायत को कांटेक्ट करके, नगर पालिका को कांटेक्ट करके आप ये मुफ्त सुविधा ले सकते हैं। मतदान केंद्र पे ज़्यादा से ज़्यादा सुविधा उपलब्ध की गई है, इसलिए 100% वोटिंग करें और अपना राष्ट्रीय कर्तव्य निभाएं। बीच में संडे और आज तो वेकेशन से है तो बहुत से लोग बाहर घूमने के लिए जाते हैं, तो आपको क्या लगता है कि इसका असर मतदान पे पड़ेगा? हमने इस बार इलेक्शन के पहले ही वोटर्स को मतलब मीडिया से हो, पर्सनल हो, मीटिंग्स लेके अपील किया है कि दिवाली की छुट्टियां हैं, लॉन्ग वीकेंड है और इलेक्शन की वोटिंग की भी छुट्टी होती है, लेकिन ये अपना राष्ट्रीय कर्तव्य है। बहुत सारी तैयारियां हमने भी की है और इसलिए सारे मतदाताओं को आज वोटिंग करना चाहिए। सुबह 7 से लेकर शाम को 6 बजे तक कभी भी जाके आप अपना हक अदा कर सकते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि 10 दिनों से चुनाव संबंधी हर तरफ शोर मच रहा है और फाइनली आज वो दिन आ गया है कि आज मतदान का दिन है और इस समय हमारे साथ मौजूद है एसपी सर। तो सर हमें बताइए कि आज चुनाव का दिन है तो इस तरीके सुरक्षा के संबंधित आपने मतलब किस तरीके के व्यवस्थापन किए गए हैं?
जिले में जितने भी पोलिंग बूथ थे, सारे पोलिंग बूथ के साथ में हमारा एक पुलिस कांस्टेबल कि वह एक होमगार्ड हम डिप्लॉय किया है। साथ साथ में जहाँ पे ज़्यादा बूथ है, मतलब 5 से ज़्यादा बूथ है, वहाँ पे एक्स्ट्रा कांस्टेबल भी वहाँ पे दिया है। और साथ में जो 100 मीटर और 200 मीटर पोलिंग बूथ से 100 मीटर और 200 मीटर में कुछ नियम है। 200 मीटर का अंदर कोई भी गाड़ी पार्किंग नहीं कर सकते। और पोलिंग पॉलिटिकल पार्टीज का जो एजेंट रहते हैं, जो पोलिंग स्लिप देते, वो भी 200 मीटर के बाहर उसका टेबल रख के उसको वोटर्स को फैसिलिटेट कर सकते। उस नियम को भी पालने जैसा हमने कुछ कांस्टेबल को रखा है। साथ में ये सारे करते हुए पूरे जिला में तकरीबन 100 को अपने पुलिस का व्हीकल घूम रहा है। और कौन सा भी इंसिडेंट हो गए तो हम कम से कम 15 मिनट के अंदर हम कहाँ पे भी इंसिडेंट होने दो वहाँ पे हम रेस्पॉन्ड करने के हमारा पूरा व्यवस्था तैयार है। इसके साथ हमारा पास पूरा जिला में 6 कंपनी सेंट्रल से आया है। ये 6 कंपनी को हम हाफ सेक्शन और एक सेक्शन जरूरत के हिसाब से हम डिप्लॉय किया गया। और ऐसा डिप्लॉयमेंट किया है जहाँ पे प्रॉब्लमेटिक है वैसा उस जगह पे डिप्लॉय किया गया। और हमारा जो स्टैटिक सर्वेलेंस पॉइंट और फ्लाइंग स्क्वाड, ये दोनों आज भी कार्यरत है। और कहाँ पे कौन सा भी प्रॉब्लम हो गया था वहाँ पे वो लोग भी रेस्पॉन्ड करेंगे। और जगह जगह पे हमारा नाकाबंदी चालू है और सभी तरह से हमारा पूरा तैयारी हुई है। और मुझे लग रहा है कि पूरा कॉन्फिडेंट लग रहा है कि मतलब आज का पूरा इलेक्शन प्रोसीजर पूरा पीसफुली होने वाला है। अपने चंद्रपुर जिला का सारे नागरिकों को मैं यही आह्वान देना चाहता हूँ, आप बाहर आइए और पूरा का पूरा वोटिंग कर लीजिए। आपका भयमुक्त वातावरण में आप वोटिंग कर लीजिए। बड़े बंदोबस्त मतलब किए गए हैं, तो मैं आप सभी से कहना चाहूंगी कि आप उस सब का फायदा उठाएं, आप पूरे पर उसका फायदा लें और ज्यादा से ज्यादा मात्रा में वोटिंग करें। सर, हमारे साथ में हमारे आदरणीय जिलाधिकारी डॉक्टर कुणाल खेमनार सर के साथ में हमारे आदरणीय जिला परिषद के मुख्य कार्यपालन अधिकारी राहुल करडिले सर हैं। जैसा कि हमने अभी थोड़ी देर पहले कलेक्टर साहब से बात की, तो हम सीओ सर से हम बात करते हैं। सर, दिव्यांग मतदाताओं के लिए ऐसी क्या व्यवस्था की गई है सर, प्लीज? नमस्ते। आज हम लोकशाही का सबसे बड़ा त्यौहार मना रहे हैं, जहाँ में दिव्यांग जो मतदार है वो भी हमारे लोकशाही के बहुत अभिन्न अंग है। तो इस बार इलेक्शन कमीशन का जो लोगो है, जो उनका स्लोगन है एक्सेसिबल इलेक्शंस, तो इसके लिए हम सभी दिव्यांग मतदार जो हमारे भाई बहन हैं उनको हम आह्वान कर रहे हैं कि आप बड़े तौर पे इस त्यौहार में आप शरीक हो। दूसरी चीज़ कि उन्हें मतदान केंद्र में आने में जो दिक्कतें होती है तो उनको हम जो असिस्टेंस प्रोवाइड कर सके, जैसे कि व्हीकल हो, व्हील चेयर हो, तो वो हम हमारे पोलिंग स्टेशन पे हमने स्वयं सहायक नियुक्त किए हैं और हर तालुका में एक नोडल ऑफिसर नियुक्त किया है। वो पूरे दिव्यांग मतदार भाइयों बहनों की हेल्प करेंगे और बड़ी तौर पे मतदान उनका कराएंगे। सर, जिस प्रकार पूरे जिले में भी जन जागरण किया गया, रथ चलाया गया, तो जैसा कि काफ़ी कुछ किया गया इस बार, जैसे कि जिला प्रशासन की ओर से सर? हाँ, इस बार तो माननीय जिलाधिकारी सर के मार्गदर्शन में हमने बहुत प्रयास किया है और ताकि वो वंचित ना रह जाए। बहुत समय ऐसा होता है कि वो इच्छुक होते हैं मतदान करने के लिए, बट उनको जो फैसिलिटीज़ अगर प्रोवाइड नहीं की तो एक शक्यता हो सकती है कि वो ना आए। तो इसलिए हम शुरू से प्रयास कर रहे हैं कि वो आए, और आने के लिए हम 100% उनका हेल्प प्रशासन के वती से करें। तो ये थे हमारे साथ में राहुल करडिले सर, हमारे मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी। जिस प्रकार से सर ने भी कहा कि हमारे कलेक्टर साहब डॉक्टर कुणाल खेमनार सर के मार्गदर्शन में इस समय पूरे जिले में मतदाताओं में जन जागरण करने के लिए तथा ज्यादा 100% वोटिंग हो, इसका पूरा ध्यान चुनाव आयोग तथा जिला प्रशासन की ओर किया गया डॉक्टर कुणाल खेमनार सर के मार्गदर्शन में। तो हम भी सीटीओ के माध्यम से आप लोगों से अभी आह्वान, सुबह का समय है, तकरीबन अभी 9:30 बजे के आसपास का समय हो चुका है, तो हम भी सिटी के माध्यम से जिला प्रशासन के एक सहयोग के हम यही कहेंगे आपसे, आप ज्यादा मात्रा में आप वोटिंग करें और लोकतंत्र को मजबूत बनाएं।
नमस्कार, सी टीवी न्यूज हर कदम खबर की ओर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज 21 अक्टूबर यानी कि चुनाव का, विधानसभा के चुनाव का दिन है और अभी अभी हम एसपी साहब, सीओ साहब और हमारे जिलाधिकारी से मुलाकात लेके आए और उनसे मतदान के संबंध में और उसके सुरक्षा के संबंध में पूरी से पूरी जानकारी लाए। हमने पिछले बार देखा जब लोकसभा का चुनाव हुआ था, उस टाइम हमने आपको चुनाव से लेकर उसके मतदान के रिजल्ट तक की पल पल की खबरें आपको दी है और आपने भी हमको बहुत, हमारे सी टीवी को बहुत सराहा। बिल्कुल उसी तरह आज विधानसभा के चुनाव से लेकर 24 अक्टूबर को होने वाले रिजल्ट तक की बातें, हम पल पल की बातें आप तक पहुंचाने जा रहे हैं। आखिर विधानसभा के चुनाव का, चुनावी दंगल का दिन आखिर आ ही गया है, जिसका बेसब्री से इंतजार राजनीतिक पार्टियां और निर्दलीय पक्ष कर रहे थे। वो सपने सजाए हुए थे कि विधानसभा का ताज पहनेंगे। आखिर आज के दिन मतदाता मतदान करके उनके भाग्य का फैसला करेंगे। तो आज हमारे साथ जुड़ चुके हैं हमारी पूरी सी टीवी की टीम, मैं साक्षी कुंडलकर और हमारे आदरणीय मोंटू सर सिंह जी सर, रणु शेख और हमारे प्रतिनिधि वैभव रुआरकर के साथ। पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि यहाँ से हम सब लोग अलग अलग जगहों पे जाके, अलग अलग बूथों पे जाके पल पल की खबरें आपको बताएंगे। और सबसे पहले मैं सर से पूछना चाहती हूँ कि सर आपने वोटिंग किया क्या? देखिए साक्षी, वोटिंग तो किया और शायद आपने भी किया क्या? हाँ, तो सबसे जरूरी है क्योंकि मतदान करना बहुत जरूरी है और लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए, जैसा कि अभी आपने थोड़ी देर पहले कहा कि हमने कलेक्टर साहब कुणाल खेमनार सर से, एसपी सर से, रेड्डी सर से और हमने सीओ सर से बात की, कार्डिले सर से, और जिला प्रशासन ने काफ़ी इसके लिए तैयारियां की है, पुलिस प्रशासन ने काफ़ी कड़े बंदोबस्त किए, इसलिए अधिक से अधिक मात्रा में हम लोग मतदान करें। मेरे साथ में साक्षी है और तरुण शेखर। और सर मैं एक बात बोलना चाहती हूँ कि आज देश का हर एक नागरिक, महाराष्ट्र का हर एक नागरिक कर्तव्य और उसके हक दोनों भी निभाने जा रहे हैं। मतलब आज वाकई में लोगों के लिए एक बहुत बड़ा दिन है सर। और एक बात बोलना चाहती हूँ कि सभी युवाओं के लिए यहाँ पे मतदान जगह बूथों पे मतलब सेल्फी पॉइंट्स बनाने हैं, तो आप सेल्फी मतदान करके सेल्फी निकाल के इस नंबर पे भेज सकते हैं 9225210729 पर। तो जल्दी से मतदान कीजिए, सेल्फी खींचिए और इस नंबर पे जरूर सेल्फी भेजिए। और 9225210729 हमारे टेक्निकल डायरेक्टर शैलेश गणवीर का नंबर है तथा हमारा नंबर 9869348981 पर आप सेल्फी निकालिए और तुरंत आपके जो वोटिंग को हम फ्लैश करेंगे सीटी के माध्यम से। तरुण, आपको क्या लगता है आज का जो सुबह का माहौल है, कैसा, कितना उत्साह दिख रहा है लोगों में? यहाँ पर काफी लोग मौजूद है, जैसे कि युवा वर्ग से लेकर मतलब कई बुजुर्ग लोग भी यहाँ पर मौजूद है और शायद कुछ लोगों का ये पहला मतदान भी हो सकता है और वो भी काफी उत्साह से यहाँ पर आ रहे हैं। और देखिए लगातार जैसे समय के हिसाब से लोगों का आना जाना शुरू है। तो अब हम चलते हैं, जैसा कि साक्षी ने भी बात की और तरुण ने भी बात की, वह भी हमारे साथ में पूरी टीम और सी टी वी न्यूज हर कदम खबर की ओर में। जिस प्रकार से साक्षी ने थोड़ी देर पहले कहा था कि लोकसभा में जिस प्रकार से हमने कवरेज दिखाया, विधानसभा के चुनाव की हम पूरी कवरेज, अब यहाँ से हमारी टीम डिस्पर्स होने जा रही है अलग अलग स्थानों पर, पूरी आपको पल पल की अपडेट के कहां पर कितना मतदान हो रहा है, कितने प्रतिशत मतदान हो रहा है, उसके बारे में पूरा आपको बताएंगे। अभी सुबह के 10 बज चुके और हम यहां पे हैं माउंट कॉन्वेंट में। तो चलिए माउंट कॉन्वेंट के अंदर के बूथ पर चलते हैं और लोगों से इनकी मतदान के संबंध में प्रतिक्रिया जानते हैं। जो विकास हो रहा है, तो आपने कौन से मुद्दों को लेकर आज वोटिंग की है? ओवरऑल चंद्रपुर और महाराष्ट्र सरकार एक स्थिर सरकार आना चाहिए और ऐसा विकास चालू रहना चाहिए, ये सोच के वोटिंग की। और आप लोगों को क्या आह्वान करना चाहते हैं हमारे सी टीवी के माध्यम से? सभी लोग, कोई भी काम है तो पहले वोटिंग करना चाहिए, बाद में बाकी काम करना चाहिए, वोट फर्स्ट बाद में बाकी काम। हमें बताइए कि आपको क्या लगता है कि चंद्रपुर का विधायक कैसे होना चाहिए? जो शहर का डेवलपमेंट करे ऐसा विधायक होना चाहिए, ना कि आए और इसी कारों में बैठ के चले जाए। पब्लिक को क्या तकलीफ है उसका एक्चुअल में डेवलपमेंट होना चाहिए, उसके ऊपर ध्यान केंद्रित होना चाहिए। तो मैं तो सबसे यही रिक्वेस्ट करूंगा कि पार्टी देखते हुए ना जो आदमी डेवलपमेंट करे उसको वोट देना चाहिए, ना कि किसी पार्टी या चिन्ह को देख के वोट देना चाहिए। हर तरफ मच रहा है चुनावी दंगल का शोर, क्योंकि अब है यह इस खेल का आखिरी दौर। पल पल की जानकारी जो आप तक पहुंचा है सी टीवी न्यूज हर कदम खबर की ओर। नमस्कार दर्शकों, इस समय सी टीवी की टीम मौजूद है बंगाली कैंप परिसर में और लगभग अभी 10 बजे का टाइम हो रहा है और यहाँ पर कई लोग थोड़ी देर में यहाँ पर आ रहे हैं, भीड़ बढ़ती जा रही है। आज 14वीं विधानसभा का आज मतदान का दिन है, तो आइए यहाँ पर मौजूद कुछ नागरिकों से बातचीत करते हैं। तो को देखकर किन मुद्दों को लेकर आप वोटिंग करोगे?
हम सोचते कि हमारे यहाँ पे एक ऐसा विधायक आए जो हमारे बारे में सोचे, युवाओं को कैसे रोजगार मिलेगा आगे जाकर, क्योंकि हमारी पहली समस्या है कि हमारे युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा है। तो हमें एक ऐसे विधायक चाहिए जो आके पहले हमको रोजगार दे। सीटीवी न्यूज़ हर कदम खबर की ओर में, जैसा कि विधानसभा का चुनाव लगातार सुबह से हर जगह जाकर वहाँ का मुआयना कर रही है, और इस समय सीटीवी की टीम, इस समय मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मूल रोड पर स्थित राजीव गांधी महाविद्यालय परिसर में यहाँ पर जो शांतिपूर्ण तरीके से यहाँ पर मतदान हो रहा, और इस समय जैसा कि हम सभी ने मतदान किया और हमारे साथ में इस समय हमारे तंत्र निदेशक शैलेश गणवीर, इस समय आप देख सकते हैं कि अपने परिवार के साथ में यहाँ पर आए हैं, और शैलेश गणवीर और उनके परिवार यहाँ पर मौजूद है, और जिस प्रकार से पूरी टीम तथा जिस प्रकार से कलेक्टर साहब से हमने बात की, एसपी साहब से हमने बात किया, सुबह हमने सीओ साहब से भी बात की, जिला प्रशासन, जिला पुलिस प्रशासन, ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में लोग मतदान करें, सीटीवी की टीम पूरी टीम ने भी मतदान किया, इसलिए मैं सीटीवी न्यूज़ हर कदम खबर की ओर से, हालांकि सुबह के तकरीबन अभी 11 बजे के आसपास का समय हो चला है, हम आप लोगों से ज़्यादा से ज़्यादा लोकतंत्र का एक सबसे बड़ा माध्यम, इसका ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग अभिमान करें और अपने मन मुताबिक एक विधायक को चुने। सीटीवी न्यूज़ हर कदम खबर की ओर के लिए।